हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सभी भाई बहनों को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय माता दी। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं नथनपुर गांव, और मैं एक बार नथनपुर और गया तो मेरे बहुत अच्छी बिक्री हुई थी। तो आज फिर मैं नथनपुर जाने वाला हूँ। सोच रहा हूँ कि आज भी मेरा अच्छा ही बिक्री हो, ताकि मेरा कुछ सामान भी कम हो चुका तो ज़्यादा बिक्री होगा। तो मैं कल सोमवार पड़ रहा, आज संडे है तो सोमवार पड़ेगा, तो सोमवार को मैं कानपुर जाऊंगा और कानपुर से नए नए फिर से सामान लेके आऊंगा और फिर से बिक्री करूंगा। तो कल की मेरा वीडियो देखिएगा, कल की वीडियो मेरी बहुत इंटरेस्टिंग वाली, क्योंकि मैं जाऊँगा मार्केट और मार्केट में आपको दिखाऊँगा कि मैं क्या क्या लेके आने वाला हूँ। जीन्स है अच्छी अच्छी, टॉप्स है अच्छी अच्छी, और मिडीज हैं, फ्रॉक्स हैं, हर एक चीज़ लेटेस्ट लेटेस्ट चीज़ दिखाऊंगा, दुपट्टे की नई नई डिज़ाइन दिखाऊंगा, प्लाजो की नई नई डिज़ाइन दिखाऊंगा। तो आप प्लीज़ मेरी कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अब जो भी आपको पसंद आए प्लाजो या कुछ भी अदरवाइज़ कुछ भी सामान आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भैया ये चीज़ मुझे पसंद आने वाला है और मैं इसे मुझे चाहिए, तो मैं आपके घर तक, आपके गाँव तक ज़रूर पहुँचाऊँगा आपका सामान। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आज मेरा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर एक चाची है, इन्होंने लिया एक कपड़ा अपने लिए लिया है, तो मेरी बहनी करा दी है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि चाची बहुत ही कम पैसा दी है। और इधर मेरे भाई साहब, ये तो हम आप इनको जानते ही होंगे, मेरे दो तीन वीडियो में आ चुके हैं और हमेशा मेरा सामान लेते हैं और मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो वही रहे कि मेरे वीडियो में जाता हूँ मैं अगले गाँव और देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि इस गाँव में अभी कोई है नहीं है। मॉर्निंग को इस समय हो गया है, सुबह कोई 5:30 बज रहे हैं। और देखो चाची, देखो कितना खुश पड़ी है, हमेशा कपड़ा खरीदती है और बहुत पैसा कम देती है, समझ लो बहुत चिलवा लेती है, एकदम परेशान कर लेती है हमको, कहेंगे इतने दे दो इतने दे, लेकिन मजबूरी में चलो महाकाली दे दिया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके आशीर्वाद से मेरा बहुत ज़्यादा बिक्री होगा। तो हेलो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं मैं नथनपुर के एक दूसरे गली पे आया हूँ। तो ये भाई साहब हैं और ये हमेशा लोअर लेते हैं, तो मुझे आवाज़ दें, तो इन्होंने लोअर लिया है तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हमेशा लोअर वोअर लेते रहते, देख लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इनका ये वाला घर है, और इधर चाचा जी नहा रहे हैं और इधर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और इधर देख लीजिए मैं जूम करके आप दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग मछली पकड़ रहे हैं। कहा है कि सब्जी वब्जी बहुत महंगी हो गई तो बेचारे मछली पकड़ करके अपना काम चला रहे हैं। आओ दादा, कहाँ गए रहो, हार कद गए रहो, धान वो लग गए, लग गए बहुत सही, धान वो लग गए, ये कहाँ कर गए रहो, काहे ना बताइयो, शर्माती हो का? तो जैसे कि देख रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर बतख है, यहाँ बच्चे लोग कितना डर रहे हैं बतख से, क्योंकि चोंच मार दिया करती है, डर डर के सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं नथनपुर गया था बेचने के, दो तीन चार गली गया हूँ, मेरा बोहनी तो हो गया था लेकिन ज़्यादा बिक्री नहीं हुई है, तो मैं नथनपुर से डायरेक्टली आया हूँ औरई गांव, औरई बहुत जाना पहचाना गांव है, हमेशा यहाँ मेरी बिक्री होती रहती है। तो देखते हैं इधर, ये देखो कृष्णा है, चड्डी वड्डी नहीं ले रहा है, मम्मी से कह रहा है लेकिन मम्मी दिला नहीं रही, क्योंकि पैसे के तीसरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो मुस्कुरा रही है चाची ब्लैक साड़ी वाली, वो है कृष्णा की मम्मी। तो देखिएगा कृष्णा की मम्मी ले रही है अपने बिट्टी के लिए कुर्तीस। इधर एक चाची आ रही है खाना वाना खा करके, पूछ भी नहीं रहे हमको कि खाना वाना खाइयो कि ना खाइयो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब लोग लेते हैं हमसे कपड़ा, बहुत ही हैप्पी हैं, क्योंकि देखो ये तो ये नन्ना से बउआ है, अभी इनकी मम्मी इनको कपड़ा दिलाएंगी। इधर चाचा देखो चाय पी रहे हैं, चाचा क्या कर रहे हो, चाय पी रहे हो, और काम वाम कैसे चल रहा है इस समय, लगवाही चल रही है। देखो आलू आलू रखा हुआ, अभी खाना वाना नहीं बना हुआ, बहुत ही गरीब है, देख लो छप्पर ओप्पर डाल के रहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनका थोड़ा भला करें, इनको बहुत सारा पैसा दे, तरक्की कराएं। और इधर सब लोग देखो खरीद रहे हैं, ले रहे हैं अपना अपना सब सामान। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इनकी शादी हो गई, इनकी वाइफ चली गई है मायके रक्षाबंधन और गुड़िया के टाइम पर। तो ये सब्जी देखो कैसे काट रहे हैं, खुद से खाना बना रहे हैं। तो भाई कितने खाना वाना बना लेते हो? हाँ भाई, 20 साल का तजुर्बा, 20 साल तेरे मतलब फायदा होते का बनाव चालू कर दियो का यार, तुम भी कितना झूठ बोलते हो। ये सब्जी भी काट, अरे मान लो जैसे कहो चली गई दुल्हन तो मान लो बना लिए कर, तो ऐसा बताओ आप कह दो कि 20 साल का तजुर्बा है, तुम तो एक पिक्चर वाली डायलॉग मार दियो कि एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन्होंने कपड़ा ले लिया, और ये दीदी है इन्होंने दुपट्टा लिया है, और इधर एक कुर्ती बिकी हुई है। तो मैं इन लोग का सबका धन्यवाद करता हूँ, और इस गांव आ करके मेरा यहाँ पर भी बिक्री हो गई है। चाची देखो उधर आ रही हैं चाय वाय पी रहे हैं, उधर एक चाची जा रही है पानी भरने के लिए। तो देख लीजिए कैसे बेचारी मेहनत करती आ रही है, शायद ये भी कुछ लेंगी।
चाची कुछ चाहिए भाई? ले लो कुछ भी चाहिए, पैसा ना उधार लो, मौका मिले तो चुरा लो। सही कहा कि नहीं? हेलो गाइस, जैसा कि देख रहा है औरई के मैं एक गली पे आया हूँ, तो ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे बताओ कहाँ से आए यार तुम लोग? मछली पकड़ गए? रोका नहाए? डराते नहीं है वो? अगर मछली से काट वाट ली तो नहीं डराते हो? सुबह से खाना वाना खाए? नहीं, 11-12 बज रहे हैं, खा पी के गए? वो नहाते हो? हाथे लग गए? देखा कहाँ हाथे में लग गए? देख तोड़ दब गए। अरे यार चड्डी लोअर वो ले लो करो, ठीक है? मम्मी से कह दो करो, जो चीज चाहिए तो ले ली करो भैया से, है ठीक है। तो गैस जैसे कि देख रहे हैं और मैं इस गली पे आया हूँ, तो इधर दीदी मुझे आवाज़ नहीं कर रहे, भैया जल्दी से आओ, हमको कुछ सामान लेना है। तो दीदी लोग लगे लहरी, उधर देखो चाची लोग बैठी है मुस्कुरा रही हैं, तो उधर चाची लोग सब बैठे टाइम पास कर अपना काम वाम करके खाना वाना खा के आराम से बैठी है। तो गैस जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मेरा लास्ट गली है और मैं यहाँ पर से बेच करके जाने वाला हूँ घर वापस। तो यहाँ पर सब चाची लोग हैं और बहन लोग हैं, सब कपड़ा वपड़ा ले रही हैं। तो मैं सभी भाई बहन को एक बात बताना चाहता हूँ, इस समय आँखों का जो प्रॉब्लम से ज़्यादा ही बढ़ रहा है, तो सब लोग कहीं भी बाहर निकलें, जो इन्फेक्शन है आँखों का बहुत ज़्यादा ही, सब सबकी आँखें लाल हो रही हैं, तो आप कहीं पर भी जाइएगा तो आँखों में चश्मा या कुछ भी लगा के जाइएगा और सबसे बच करके रहिएगा आप लोग, क्योंकि आँखों का बहुत ज़्यादा ही वायरस फैल रहा है। गांव-गांव में जाते हो तो सब लोग की आँखें एकदम लाल पड़ रही हैं, तो प्लीज़ कहीं पर बाहर निकले या किसी को हो रहा तो उस बच्चों को बाहर ना निकलने दें। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस गांव से बेच करके अब जा रहा हूँ, आज मेरा बिक्री नहीं हुआ है, मात्र सिर्फ 1600-1700 का ही बिक्री हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार फिर आऊँगा। मेरा माल भी कम हो चुका है क्योंकि अब मैं कल सोमवार पड़ रहा, सोमवार को मैं जाने वाला हूँ मार्केट और नए नए डिजाइन की लोअर टी शर्ट टॉप ट्राउजर हर एक चीज़ ले करके आऊँगा, ताकि मेरा फिर से बिक्री बढ़ जाए और मेरा खूब ज़्यादा बिक्री हो। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, कल दिखाऊंगा मार्केट के बारे में, दिखाऊंगा कानपुर जाऊंगा, नया नया डिजाइन दिखाऊंगा, प्लाजो ट्राउजर टी शर्ट हर एक चीज़ की डिजाइन के बारे में दिखाऊंगा। तो जिन भाई बहन को पसंद आए तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें, उनके घर तक पहुंचा करके गांव-गांव तक पहुंचा करके देता हूँ। तो जो भाई बहन मेरा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिए, और जो भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटा जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।